एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए। वहां आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11 में विषय BA चैप्टर 1 धंधे का स्वरूप, उद्देश्य और कार्य क्षेत्र पढ़ेंगे। और हमारा आगे का पॉइंट है कि धंधे का उद्देश्य क्या है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि आर्थिक प्रवृत्ति और अनार्थिक प्रवृत्ति के बीच अंतर पढ़े थे और धंधे के लक्षण भी पढ़े थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि धंधे का उद्देश्य क्या है। तो धंधे का मेन उद्देश्य हमने क्या देखा था कि लाभ प्राप्त करना, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के धंधे की स्थापना करता है तो वो लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य तो जरूर रखता है, लेकिन लाभ के उद्देश्य के साथ साथ में अन्य और भी उद्देश्य देखने को मिले। पर कब देखने को मिले? जब ग्राहकों के अंदर जागृति आई और सरकार के जो भी नियंत्रण थे उसमें परिवर्तन देखने को मिला, तब जो लाभ का उद्देश्य था उस लाभ के उद्देश्य के साथ साथ अन्य दो उद्देश्य भी देखने को मिले, जिसमें से पहला उद्देश्य है आर्थिक उद्देश्य और दूसरा उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य, ठीक है। तो आर्थिक उद्देश्य में हम क्या देखेंगे कि जो व्यवसायिक इकाई का जो मालिक है उसको क्या हो? लाभ हो, अर्थ की दृष्टि से या मूल्य की दृष्टि से, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है लाभ का उद्देश्य, ठीक है। अब जो व्यवसायिक इकाई का मालिक है वो अगर किसी भी व्यवसायिक इकाई की स्थापना कर रहा है तो वो क्या करेगा कि उसे पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। अब अगर उसे पूंजी की आवश्यकता पड़ी तो क्या करेगा? धंधे का विकास करने के लिए पूंजी को विनियोजित करेगा, ठीक है। अब पूंजी को उसने विनियोजित किया या इन्वेस्ट किया किसी धंधे में, तो सिर्फ क्या उसका यही उद्देश्य होगा कि वो लाभ प्राप्त करे? नहीं, लाभ के साथ साथ उसका ये भी उद्देश्य होगा कि वो अपने व्यवसाय इकाई को किस तरह से विकास करे, किस तरह से समाज में उसकी पहचान मिले। तो वो पहचान कब मिल सकती है? जब धंधे में लाभ का उद्देश्य ज़्यादा होगा तब। और जैसे जैसे धंधे में लाभ का उद्देश्य ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, समाज में अपने आप उस धंधे की पहचान बन जाएगी, बनती ना। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल, जैसे अंबानी है, उसका जो उद्योग धंधा चल रहा है वो कैसा है? पहले छोटा था लेकिन जैसे जैसे धीमे धीमे बढ़ता गया समाज में उसकी एक अपनी पहचान बन गई, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड है कि महत्तम संपत्ति सर्जन का उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या था? लाभ का उद्देश्य। अब मान लीजिए कि जो व्यापारी, उसने लाभ तो प्राप्त कर लिया, उसे लाभ भी मिल रहा है, समाज में उसकी पहचान भी हो गई है धंधे की, तो वो क्या करेगा कि उसके धंधे का जो भी संपत्ति है, उत्पादन के जो साधन है, उसका क्या करेगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्षम तरीके से लोग उसमें काम कर सके, ये उसका उद्देश्य होगा। लेकिन ये उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए जो व्यवसायिक इकाई का व्यापारी होता है उसको लंबा समय चाहिए होता है, ठीक है। लाभ तो उसे मिलता रहेगा, हर महीने मिलता रहेगा, लेकिन अगर उसे जो उसके व्यवसाय इकाई का जो साधन है या संपत्ति है उसमें और ज़्यादा विकास करने के लिए उसे लॉन्ग टाइम चाहिए होता है। तो लॉन्ग टाइम में क्या होता है? हो सकता है कि शॉर्ट टाइम में कहीं ना कहीं मंदी देखने को हमें मिल जाए, तो उस मंदी के समय में व्यापारी का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि लाभ के उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखना है, उसे क्या करना है कि उसके पास में जो भी साधन संपत्ति है, ये जो संपत्ति है इसका उसे क्या करना है? टिकाए रखना है कि किस तरह से मार्केट में ये संपत्ति हमारी टिकी रहे या उसका कार्यक्षम तरीके से विकास हो। और क्या होगा? जब धीमे धीमे मंदी का तत्व चला जाएगा तो तेजी के समय में यही संपत्ति क्या होगी? और ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है कि अन्य आर्थिक उद्देश्य। अन्य आर्थिक उद्देश्य में क्या होगा कि जो भी धंधा होगा उसका आर्थिक विकास करने का उद्देश्य होगा, आर्थिक वृद्धि करने का उद्देश्य होगा। फिर अगर मान लीजिए समय के साथ साथ कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने का उद्देश्य होगा, ठीक है। नए नए परिवर्तन करने का उद्देश्य होगा, नए संशोधन करने का उद्देश्य होगा। तो ये सारे उद्देश्य ये अन्य आर्थिक उद्देश्य में आते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट है सामाजिक उद्देश्य। पहला क्या था? आर्थिक उद्देश्य। अब दूसरा क्या है? सामाजिक उद्देश्य। तो सामाजिक उद्देश्य में ये होता है कि हम जो धंधा करते हैं वो कहाँ करते हैं? समाज में ही करते हैं, ठीक है। समाज के ही लिए करते हैं और समाज के लोग ही करते हैं। अगर समाज है तो हमारा धंधा क्या है? अस्तित्व में है। लेकिन अगर समाज ही नहीं है तो हमारा धंधा अस्तित्व में होगा? नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि समाज को ध्यान में रखते हुए भी जो व्यापारी होता है या जो व्यवसाय इकाई का मालिक होता है वो अपने उद्देश्य को सिद्ध करता है। तो जिसमें पहला है सामाजिक दायित्व।
कि जो भी व्यवसाय इकाई का मालिक है उसका कुछ समाज के प्रति भी दायित्व होता है। समाज के प्रति दायित्व में जैसे ये सरकारी कानून नियंत्रण हो गए, ठीक है, ग्राहक की जागृति हो गई, ग्राहक की जो शिक्षा होती वो हो गई, और ग्राहक की जो जो शिकायत होती है उसके निवारण की जो संस्थाएं हो गई, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, व्यापारी को अपने उद्देश्य को सिद्ध करना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मालिक हो, देखो बाजार में मालिक भी होते हैं, ग्राहक भी होते हैं, लेनदार भी होते हैं, देनदार भी होते हैं, सभी होते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई व्यापारी है, अगर वो किसी धंधे की स्थापना करने के लिए सोच रहा है तो क्या करेगा, पर्यावरण को ध्यान में रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि उसे ऐसे धंधे का विकास करना है या स्थापना करनी है जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, ठीक है। अगर ग्राहक को ध्यान में रखेगा तो सोचेगा कि मुझे किस तरह से ग्राहक को आकर्षित करना है, किस तरह की वस्तु को उत्पादित करना है, तो इन बातों को भी ध्यान में रखेगा। तो इस तरह से क्या करता है, वो अपना सामाजिक दायित्व भी निभाता है। उसके बाद में सेकंड कि रोजगार के अवसर प्रदान करने का उद्देश्य। अब अगर वो समाज के लिए कर रहा है, समाज के लिए किसी भी प्रकार के उद्योग की स्थापना किया है, तो वो क्या सोचेगा कि मैं समाज में रोजगार के अवसर को प्रदान करूं, या समाज में, आप लोग को पता ही है कि हमारे भारत में भी या हमारे समाज में बहुत सारे लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं, ठीक है। अब इन बेरोजगार लोगों को क्या करना है, रोजगार ही देना है। तो रोजगार देने के लिए वो क्या करेगा कि जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं या खादी उद्योग होते हैं या जो ग्राम उद्योग होते हैं, ऐसे उद्योगों का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा, ताकि क्या हो, लोगों को रोजगार मिल सके। और इसके लिए भी अगर बहुत ज़्यादा प्रमाण में रोजगार का विकास करना है तो जो पिछड़े विस्तार है, जहाँ पर गरीब लोग या स्लम एरिया के लोग रहते हैं, ऐसे पिछड़े विस्तारों में भी क्या किया जाएगा, धंधे की स्थापना की जाएगी और वहाँ के लोग उस धंधे में जुड़ करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, और उस तरह से वो अपना सामाजिक उद्देश्य भी पूरा करता है। उसके बाद में गुणवत्ता वाली वस्तु और सेवा प्रदान करना थर्ड। तो अगर वो समाज के लिए कार्य कर रहा है तो क्या करेगा कि समाज में जो लोग रहते हैं उन लोगों को वो योग्य गुणवत्ता वाली और उचित मूल्य पर योग्य गुणवत्ता वाली वस्तु को प्रोवाइड। अब हमारा थर्ड पॉइंट है गुणवत्ता वाली वस्तु और सेवा प्रदान करना। तो अब अगर मान लीजिए कोई व्यवसाय का जो मालिक होता है, अगर वो समाज के उद्देश्य को ध्यान में रख करके कार्य कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि समाज में जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों को ऐसी वस्तु और सेवा प्रोवाइड करेगा कि जिसकी गुणवत्ता कैसी हो, ऊँची हो, ठीक है, गुणवत्ता ऊँची हो और उपयोग लायक हो, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी उसका असर ना पड़े। जैसे मान लीजिए कि रसोई घर में जो यूज करने वाला मसाला होता है वो हुआ, ठीक है, पेय पदार्थ हुआ, तो ऐसी वस्तुओं की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए या योग्य होनी चाहिए, और जो ग्राहक होते हैं उनको उचित मूल्य पर उस वस्तु को प्रोवाइड करना है। और साथ साथ में सेवा प्रदान करना, मतलब ये कि जो भी ग्राहक होते हैं, मान लीजिए कुछ ग्राहक ऐसे भी होते हैं कि वो वस्तु की डिमांड कर देते हैं, उसके लिए ऑर्डर भी कर देते हैं, लेकिन व्यापारी को उस वस्तु को क्या करना है, ग्राहक तक या ग्राहक के पास हमें क्या करना है, पहुंचाना पड़े, ऐसी सेवा भी हमें प्रदान करनी चाहिए। तो ये क्या होगा, समाज का हित हो सकता है या समाज के लिए हम कार्य कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट है उचित व्यापारी रीति रिवाजों का अनुसरण। अब व्यापार करने वाले जो मालिक हैं या व्यवसाय के जो मालिक हैं या जो इकाइयां हैं, उन्हें क्या करना है, उचित रीति रिवाजों का अनुसरण करना चाहिए। जैसे कालाबाजारी हो गया, संग्रहखोरी हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, या तो फिर जैसे लोगों को ठगने वाला काम हो गया, ऐसे कोई नीति नियम को व्यापारी को अपनाना नहीं है। कुछ व्यापारी ऐसे भी होते हैं ना कि जब वस्तु का भाव बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं, वस्तु को स्टोर कर लेते हैं, जब वस्तु का भाव घट जाता है तब क्या करते हैं, लोग वस्तु को स्टोर कर लेते हैं, लेकिन उसी वस्तु को वो लोग कब बाहर लाते हैं, जब वस्तु का भाव बढ़ जाता है। तो वस्तु का भाव बढ़ने पर वो वस्तु को बाहर लाए, मतलब क्या कि वो आर्थिक उद्देश्य से काम किए, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, सामाजिक उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। तो हमें ये भी करना है कि किसी भी वस्तु की जो कृत्रिम शॉर्टेज होती है उसे भी हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ऐसे जो तमाम तत्व हैं, तमाम रीति रिवाज, इन रीति रिवाजों को हमें क्या करना है, बंद करना है, और कालाबाजारी नहीं करना है, संग्रहखोरी नहीं करना है, ठीक है, और जो भी हमारे पास में वस्तु है, अगर लोगों की मांग है तो मांग के अनुसार हमें क्या करना है, लोगों तक वो उस वस्तु को पहुंचाना है। तो इस तरह से व्यापारी को उचित रीति रिवाजों का अनुसरण भी करना है। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है कि अन्य उद्देश्य। अब सामाजिक उद्देश्य से कार्य कर रहा है मालिक या इकाई धंधे का, तो उसका अन्य उद्देश्य क्या होगा, पहला तो उसका उद्देश्य था कि सामाजिक दायित्व, दूसरा उद्देश्य था कि रोजगार के अवसर क्रिएट करना या प्रदान करना, उसका थर्ड उद्देश्य था कि गुणवत्ता वाली वस्तु या सेवा प्रदान करना लोगों को उचित मूल्य पर,
फोर्थ उद्देश्य था उसका कि जो उचित व्यापारी रीति रिवाज होते हैं उसको अपनाना। लेकिन इसके साथ साथ उसका अन्य उद्देश्य भी क्या है कि समाज में पहचान बनाना। अब समाज में पहचान किसकी बनाएगा? अपनी नहीं, अपनी इकाई की। अगर वो अपनी इकाई की पहचान बनाएगा तो ऑटोमेटिक व्यापारी का ही पहचान बन जाएगी। तो समाज में पहचान बनाना है, प्लस उसके साथ साथ सरकार को सहकार भी देना है। मान लीजिए कि सरकार व्यापारी के पास से या व्यवसाय इकाई में किसी प्रकार का कोई नियम या नियंत्रण लगाती है तो व्यापारी को क्या करना है? सहकार देना है, कॉर्पोरेट करना है। उसके बाद में कर्मचारी को प्रोत्साहन देना है। अगर हम लोग मान लो कर्मचारी को प्रोत्साहन देते हैं तो क्या होगा? कर्मचारी और कार्यक्षमता तरीके से कार्य करेगा और उत्पादन में क्या होगा? वृद्धि हो पाएगा। तो कर्मचारी को भी प्रोत्साहन देना है और नए संशोधन करना है। मान लीजिए कि अगर हम लोग नए संशोधन नहीं करते हैं तो कर्मचारी क्या होता है, पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम करते करते बोर हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि जो हमारे उत्पादन होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रमाण में विशाल नहीं हो पाते या विकसित नहीं हो पाते। तो उसके लिए क्या करना है कि अगर किसी ना प्रकार के कोई नए संशोधन आ रहे हो अर्थतंत्र में तो वो नए संशोधन के बारे में जानना। और अगर मान लो हमें खुद ट्राई करना है या खुद जानना है कि बाजार में क्या नया आया है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उसके बारे में रिसर्च करना है और आधुनिक टेक्नोलॉजी को स्वीकारना है। तो बस आज के लिए आपका यही था कि धंधे के उद्देश्य दो थे, आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। धन्यवाद।